सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ताबड़तोड़ दौरे पर है, जहां आज स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ में रहेंगे, कई कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। साथ ही सरकारी कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री मथुरा से खैर क्षेत्र के टप्पल ब्लॉक के गांव जातपुरा पहुंचेंगे। वहीं कई जल जीवन मिशन योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा प्रतिनिधियों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और निजी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। साथ ही गाजियाबाद में भी कई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। संवाददाता प्रवीण गाजियाबाद से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं और किन किन कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं स्वतंत्र देव सिंह? देखिए त्रिशला, आपको बता दूं, स्वतंत्र देव सिंह जिस तरह से दौरे करके अलीगढ़, मथुरा और बात करें इधर से नोएडा भी आने वाले हैं, तो खासतौर पर अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में अभी किसी इस तरह से दौरे की कोई सूचना नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि नोएडा में जिस समय वो गेस्ट हाउस में 6 बजे तकरीबन पहुंचने का उनकी बात की जा रही है, तो हो सकता है कि गाजियाबाद में वो ट्रेन बाय ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हो जाएं। तो कहीं ना कहीं उनका कोई गाजियाबाद में इस तरह का कोई दौरा नहीं नजर आ रहा है। खासतौर पर हमने अभी बातचीत भी की तो हमारे सूत्रों से खबर मिली है, हो सकता है जो साहिबाबाद से यहाँ से जो विधायक है सुनील शर्मा, तो आज उनका जन्मदिन भी हो सकता है, उसकी बधाई देकर वो सीधे यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाए। जी जी, तो क्या किसी सरकारी योजना का शिलान्यास नहीं होने वाला है? और अगर वो पहुंचते हैं तो क्या किसी से मुलाकात कर सकते हैं? पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या फिर कार्यकर्ता, उनसे क्या कोई मुलाकात की कोई खबर सामने आ रही है प्रवीण? देखिए त्रिशला, बता दूं आपको, गाजियाबाद जिस समय वो आएंगे यहाँ पर, तो हो सकता है, देखिए क्योंकि सूत्रों से जो मिली जानकारी के अनुसार, जहां तक बता रहे हैं कि जो सुनील शर्मा विधायक हैं, आज उनका जन्मदिन है, भाजपा के विधायक हैं और बड़े कद्दावर नेता भी यहाँ से विधायक बन चुके हैं कई बार, तो हो सकता है स्वतंत्र देव सिंह उनसे मुलाकात करें और उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए यहाँ से लखनऊ के लिए बाय ट्रेन यहाँ से रवाना भी हो सकते हैं। लेकिन अभी इस प्रकार के कोई दौरे की संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमने कई लोग बधाई है जो यहाँ भाजपा के, हम लोगों ने उनसे भी बातचीत की, तो अभी किसी तरह से कोई लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ हमारे नेता जो उनके हैं पदाधिकारी हैं। कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज तूफानी दौरा है, वहीं कई जल जीवन मिशन योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही सरकारी कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री मथुरा से खैर क्षेत्र के टप्पल ब्लॉक के गांव जातपुरा पहुंचेंगे। जिस तरह से लगातार 100 दिन के एजेंडे के थ्रू जो मंत्री हैं, योगी सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल के सभी दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर कार्यों के निरीक्षण कर रहे हैं और जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपा जा रहा है। लगातार पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है योगी सरकार 2.0। ऐसे में मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी दौरे पर है, उन्होंने तूफानी दौरा किया है, कई योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ताबड़तोड़ दौरा, जहां स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ में रहेंगे, इस कार्यक्रम में भी कई कार्यक्रम में भी वो शिरकत कर सकते हैं। साथ ही सरकारी कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री मथुरा से खैर क्षेत्र के टप्पल ब्लॉक के गांव जातपुरा पहुंचेंगे, वहीं कई जल जीवन मिशन योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, कई जगहों के दौरे कर रहे हैं और कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। अलीगढ़ और मथुरा जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह, कई अहम जो
जल शक्ति मिशन की योजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे। आपको बता दें कि 2022 चुनाव के पहले भी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में अहम रोल निभाए हैं। मुख्य चेहरे के रूप में वो 2022 विधानसभा चुनाव में सामने आए, जिसके बाद से अब उन्हें जल शक्ति मंत्री का कार्यभार मिला है और बखूबी वो इस कार्यभार को निभा रहे हैं। काशी के ज्ञानवापी मामले की गूंज अब पूरे प्रदेश भर में सुनाई दे रही है और लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर के विवादित बयान पर छात्रों का रोष देखने को मिला और प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे पर सस्पेंस है, बुधवार को पर्दा उठ सकता है। बुधवार को एक बार फिर वाराणसी की जिला अदालत में सर्वे को लेकर सुनवाई होगी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अदालत आज कोई ना कोई आदेश जारी कर सकती है। वाराणसी की अदालत इस मामले में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वो प्रदेश भर में गूंज रहा है। सर्वे को लेकर जिस तरह से एक समुदाय की तरफ से उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, सर्वे का विरोध किया जा रहा है, इसकी वजह से इसकी गूंज पूरे प्रदेश भर में गूंज रही है। साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, जो ABVP के छात्र हैं, उन्होंने एक प्रोफेसर का खास विरोध किया है, क्योंकि प्रोफेसर एक चैनल में एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी, बताया जा रहा है, जिससे छात्र खासा नाराज नजर आ रहे हैं और नाराजगी की वजह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है और प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। जो हिंदी के प्रोफेसर है रविकांत के खिलाफ उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है। वही आपको बताते चले कि आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे पर सस्पेंस है, बुधवार को यानी कि आज पर्दा उठ सकता है, क्योंकि आज फिर से एक बार वाराणसी की जिला अदालत में सर्वे को लेकर सुनवाई होगी और इस सर्वे पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है एक पक्ष की तरफ से कि ज्ञानवापी का सर्वे हो और पता चले कि पहले इसके अंदर जो मंदिर के अवशेष है, क्या उससे मस्जिद तैयार किया गया है, क्या कुछ मंदिर के अवशेष मिलते हैं, कई तरह की बातें हिंदू समुदाय की तरफ से कही जा रही हैं, तो वही कई तरह की बातें मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी कही जा रही हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि सर्वे हो और सर्वे में जो कुछ भी निकल करके सामने आता है उसको जनता एक्सेप्ट करे, सुने उसको, लेकिन सर्वे अभी होना बाकी है। वही आज जो इसकी सुनवाई भी होनी है, वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुकी है। विभांशु, जिस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया है प्रोफेसर का, FIR भी दर्ज कराई है उनके खिलाफ, आगे क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? आपको बता दें कि कल लखनऊ विद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत एक टीवी डिबेट में बीते दिनों बैठे हुए थे जहाँ ज्ञानवापी के मुद्दे पे चर्चा की जा रही थी, जिसमें देश भर के सुप्रसिद्ध लोग सम्मिलित हुए थे। उसी में बताया आपको रविकांत की तरफ से एक पुस्तक का आधार देकर, जहां उनकी तरफ से बताया जा रहा है, एक पुस्तक की आधार देकर उन्होंने देवी देवता और साधु संतों के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले, जिसको लेकर ABP के कार्यकर्ता जो थे लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर में, छात्र विंग जो था वहां का, वो उनको माफी मांगने और बर्खास्तगी की मांग को लेकर सुबह 11 बजे से प्रदर्शन करने लगा। वहीं आपको बताया कि 11 बजे से प्रदर्शन जो चल रहा था वो 5 बजे तक चला। वहीं आपको बताया कि जब छात्र जो रविकांत वहां के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी इस्तीफे की मांग को लेकर वहां प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि रविकांत आकर माफी मांगे, तो जो वहां के प्रॉक्टर थे उन्होंने रविकांत पर 3 दिन के अंदर पूरी मामले पर जवाबदेही देने को कहा है। वहीं आपको बताया कि प्रोफेसर रविकांत ने छात्रों से आकर माफी मांगी, मगर उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकता, मैं ये किताब को कोट करके बोला हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। वहीं आपको बताया कि देर शाम बाद जब छात्र 5 बजे तक प्रदर्शन करते रहे तो पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद कर छात्रों को हटाए जाने की कोशिश की जाने लगी, मगर छात्र अड़े रहे और वहीं धरने पर बैठ गए। देर शाम प्रदर्शन खत्म हुआ। और वहीं आपको बताया कि ABP के
कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की तरफ से थाना हसनगंज क्षेत्र में प्रोफेसर रविकांत पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर केस कर दिया गया है, FIR कर दिया गया है। तो वहीं प्रोफेसर रविकांत की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि अब देश में दलितों की लिंचिंग शुरुआत हो चुकी है और मेरे कमरे के बाहर लिंचिंग करने वाले लोग हैं। तो जब जो वहां के एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनके ऊपर 506, 504 और तमाम विभिन्न धाराओं में उनके ऊपर FIR लिखी जाती है। ठीक बाद जो प्रोफेसर रविकांत है वो छात्रों के गुटों को FIR करा के क्रॉस FIR किए हैं। वही उनका आरोप ये है कि बाहरी छात्रों को बुलाकर, बाहरी लड़कों को बुलाकर प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा था और साथ ही साथ मुझे 4 घंटे तक एक कमरे में बैठने के लिए विवश किया जा रहा था क्योंकि अगर मैं बाहर निकलता तो छात्र उग्र हो जाते। जी जी बिल्कुल, वही विभांशु, जो ज्ञान वापी मस्जिद का मामला है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। सर्वे को लेकर एक समुदाय की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि आज सर्वे के सस्पेंड से पर्दा उठ सकता है क्योंकि वाराणसी जिला न्यायालय में आज इसकी सुनवाई है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है विभांशु? जी त्रिशला, आपको बताया कि बीते दिनों जो सर्वे की टीम है, जो वकीलों का पक्ष था, दोनों पक्ष, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचा हुआ था जैसा कि कोर्ट के आदेश के बाद। तब आपने देखा कि दोनों धर्मों के तरफ से, दोनों समुदाय के तरफ से जातिगत जो धार्मिक नारे लगे, जिसमें आपने देखा कि दोनों पक्ष अपने अपने धार्मिक नारे लगा रहे थे। तो वहीं अब आज जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं तमाम सर्वे की जो टीमें लगाकर जो अवशेष ढूंढा जा रहा था कि आखिर यहाँ क्या स्थिति थी, यहाँ मंदिर था या फिर मस्जिद की तामीर पहले से है, इसको लेकर आज कोर्ट के अंदर में फैसला आने वाला है और कोर्ट के फैसले के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर वहां क्या था। मगर आपको बताएं कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद ट्रस्ट है उसकी तरफ से बीते दिनों आपने देखा जब कॉरिडोर बनाया गया, जब काशी कॉरिडोर बनाया गया तो उनकी तरफ से भूमि भी दी गई थी। तो माना यह जा रहा है कि बनारस के अंदर में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए योगी आदित्यनाथ तमाम निर्देश दे चुके हैं, मुख्यमंत्री जो है, तो उनकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। वहीं आज के जब फैसले आएंगे तो जो प्रशासन के लिए चुनौती होगा क्योंकि आमतौर पर आपने देखा कि बीते दिनों नारे लग रहे थे तो एक उनके लिए मुश्किल टेढ़ी खीर होगी क्योंकि आज अगर फैसला एक पक्ष में आता है तो इससे जो मामला होगा उसे शांत करवाने में पुलिस को काफी कसमकस करने को देखने मिल सकता है। वहीं आपको बताएं कि आज फैसले में कुछ ऐसे पृष्ठ आ सकते हैं कि जिसका सालों से इंतजार है। वहीं अभी अगर देखें तो महज कुछ दिन पहले ज्ञानव्यापी में के अंदर में सर्वे की टीम गई थी तो इतनी जल्दी इस फैसले को अभी आने की जो आकांक्षा लगाई जा रही है वो कम ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल विभांशु, जिस तरह से इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में आग सुलग रही है, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखा जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से छात्रों का प्रदर्शन देखा गया, ये कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विभांशु, लखनऊ विश्वविद्यालय में जो मामला हुआ था उस पर प्रोफेसर रविकांत ने भी क्रॉस FIR करवाया है और ACP महानगर के पास जांच के लिए तहरीर भी दी है, इस पर क्या कुछ रिपोर्ट है? जी आपको बताया कि थाना हसनगंज क्षेत्र में दोनों पक्षों की तरफ से FIR कर दी गई है और वहीं आपको बताया कि थाना महानगर के DSP को ये पूरा मामला दिया गया है और आपको बताया कि DCP को पूरे इस मामले को संज्ञान में लेकर अब जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजना होगा, जो ऊपर के आला अधिकारी हैं जिनको। और साथ ही साथ आपको बताया कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर हैं उनकी तरफ से भी, जो रविकांत प्रोफेसर हैं उनको भी कहा गया है कि आप जवाबदेही दें 3 दिन के अंदर लिखित कि आप किस आधार पे इन शब्दों का चयन किए और जिसे किताब की वो बात कर रहे हैं, उन किताब के जो जहाँ उल्लेख किया गया उसको भी उसमें संलग्न करने को कहा गया है। तो अब देखना यह होगा त्रिशला की ये जो मसला है जिसमें रविकांत जो प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये मेरे शब्द नहीं बल्कि ये किताब के शब्द हैं, इस मामले को पूरे पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी कड़ाई के साथ वहां मौजूद रही जिससे धरना ये उग्र नहीं हो सका। साथ ही साथ अब 3 दिन के अंदर प्रोफेसर को रिपोर्ट अपनी देनी है
और आपके डीसीपी महानगर की जांच को कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो मामला है वो पूरी तरह से शांत कर दिया जाएगा, जैसा कि प्रशासन के जो आला अधिकारी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल विभांशु, ये एक अहम मुद्दा बन चुका है क्योंकि छात्रों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, वही विभांशु आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है वाराणसी अदालत में, वाराणसी जिला अदालत में, तो सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है कि अगर कोई भी फैसला आता है तो किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है कि लोगों को संभाला जाए, लोगों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से गेट नंबर 4 का कौशिक कॉरिडोर गेट नंबर 4 पे भी कुछ महिलाओं ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, तो इन सब हादसों को रोकने के लिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है विभांशु? जी दूसरा आपको बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद की अगर बात की जाए तो ये मुद्दा कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक चर्चाओं में है, अखबार और अगर बात की जाए टीवी की तो हेडलाइन में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि बीते दिनों एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर पूरी जो मुस्तैदी कर दी गई है हर एक जगहों पे, चाहे बात की जाए जो प्रमुख हर एक जिलों के जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पुलिस की तैनाती की गई है, साथ ही साथ पुलिस के अतिरिक्त बल जो पीएसी है उसको भी अगर कहीं मामले बढ़ते हैं या कहीं सामाजिक उन्माद फैलता है तो पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से तैयार है और अगर ऐसे कहीं मामले होते हैं तो जल्द से जल्द उसको शांत कराकर और मामले को खत्म करवाने के लिए वो सक्षम है, जैसा कि प्रशांत किशोर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है। वही देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये फैसले आते हैं तो आपने देखा कि जब राम मंदिर फैसला आया था तो बहुत ही शालीनता के साथ दोनों पक्षों ने अपनाया था फैसले को और दोनों पक्षों ने सम्मान किया था, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फैसले के बाद क्या रिएक्शन आता है दोनों पक्षों का। अब प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, पीएसी सीआरपीएफ के जवानों को भी अगर जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश पुलिस ला सकती है, जैसा कि आपने देखा कि ईद और अक्षय तृतीया परशुराम जयंती के दिन जैसे प्रशासन हर जगह मुस्तैद था, लाउडस्पीकर कांड जो कि बहुत ही तेजी से सरगर्मियों में था जिसको शांत कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार था, एडीजी जो जहां पे अल्पसंख्यक ज्यादा थे उन सब जगहों पे तमाम टुकड़ियों को तय किया है। साथ ही साथ आपको बताया कि एडीजी प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जब तक ये मामले चल रहे हैं तब तक विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी जिससे सामाजिक उन्माद ना फैल सके और ऐसे कृत्य करने वाले लोगों पे कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बताया प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी के माध्यम से एवं ड्रोन के माध्यम से पुलिस प्रशासन निगरानी भी रख रहा है कि कैसे सोशल मीडिया के साथ साथ हर एक क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह से निगरानी रख रहा है और सामाजिक उन्माद न फैले इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल विभांशु, 2 बजे सुनाई होनी है, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अगर बात किया जाए ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है वाराणसी की अदालत में, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सभी की नजरें आज 2 बजे की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। फिलहाल और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।